हिजाब बिवादकु नै गतकाली कर्णाटक हाइकोर्टंक पक्षरु राय प्रकाश पाइछि। स्कूल ओ कॉलेज रे हिजाब पिंधिबाकु अनुमति पाइ दायर होइथिबा आवेदनकु कोर्ट खारज करिछन्ति। हाइकोर्ट कहिछन्ति जे इस्लाम धर्म रे हिजाब अनिवार्य नुहे, तेणु मुस्लिम छात्री माने स्कूल यूनिफॉर्म पिंधिबाकु मना करि परिबे नाही। वी आर ऑफ द कंसीडर्ड ओपिनियन दैट वेयरिंग ऑफ हिजाब बाय मुस्लिम वुमेन डज नॉट फॉर्म ए पार्ट ऑफ एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस इन इस्लामिक फेथ। The answer to our second question is we are of the conceded opinion that the prescription of a school uniform is only a reasonable restriction constitutionally permissible which the students cannot object to. The answer to third question is in view of above we are of the conceded opinion that the government has power to issue the impugned government order dated 5/2/2022 and no case is made out for its invalidation. The answer to fourth question is we are of the conceded opinion that no case is made out in writ petition number 2146/2022 for issuance of a direction for initiating disciplinary inquiry against respondents 6-14. The prayer for issuance of writ of quo warranto against respondent number 15 and 16 is rejected, being not maintainable. Accordingly, in the above circumstances, all these writ petitions being devoid of merits are liable to be and accordingly are dismissed. In view of dismissal of these writ petitions, all the pending applications fail into significance and are accordingly disposed of. हिजाब के बारे में इस समय पूरे देश में हंगामा चल रहा है। कर्नाटक की लड़कियों को बहुत प्लांड तरीके से हिजाब पहना के स्कूल में भेजा जा रहा है। ये वही शक्तियां हैं जो भारत का इस्लामीकरण करना चाहती हैं, क्योंकि वो जो बच्चियां पहन के जा रही हैं वो अपनी इच्छा से नहीं जा रही हैं। उनको समझाया गया है, बरगलाया गया है, उनका ब्रेन वॉश किया गया है। जब पूरी दुनिया में हिजाब फेंका जा रहा है, इस्लामिक देशों में हिजाब के खिलाफ पूरा आंदोलन चल रहा है, इस्लामिक देशों की महिलाएं हिजाब के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रही हैं, उस समय भारत में हिजाब पहन के स्कूल जाना ये बच्चियां अपने आप नहीं कर सकती। ये तो प्लांड वे में बाकायदा जो फोर्सेस हैं, पीएफआई हुआ और इस तरीके के जो और भी संगठन हैं, देवबंद हुए और भी जो इस्लामिक संगठन हैं, जो भारत में गजवा हिंद करना चाहते हैं, जो भारत में एक ग्रेटर बांग्लादेश बनाना चाहते हैं, जो भारत में एक इस्लामिक हुकूमत कायम करना चाहते हैं, उनकी ये सोची समझी साजिश है। मैं समस्या की बात नहीं करूंगा, समस्या आपके सामने है, मैं समाधान की बात करता हूं। इस देश का संविधान कहता है कि इस देश में समान शिक्षा होनी चाहिए। समान शिक्षा का मतलब वन नेशन वन सिलेबस, वन नेशन वन करिकुलम, एक देश एक पाठ्यक्रम और एक देश एक किताब। हमारे पास राइट टू एजुकेशन कानून है, केवल उसमें एक शब्द जोड़ने की जरूरत है, इक्वल। राइट टू एजुकेशन में राइट टू इक्वल एजुकेशन करना है, एक शब्द जोड़ना है। पार्लियामेंट ने कानून बनाया है, राइट टू एजुकेशन कानून बनाया है, तो इसका मतलब पार्लियामेंट राइट टू इक्वल एजुकेशन भी बना सकती है। राइट टू एजुकेशन में जो पढ़ने की उम्र है वो 14 साल तक है, तो पार्लियामेंट उसको 18 साल तक भी कर सकती है, अमेंड कर सकती है। हाइकोर्ट को निष्पत्ति परे हिजाब पिंधिबा नहीं निज जिद रे अटल रहिछन्ती छात्री। अदालत को राय को विरोध करी कर्णाटक यादगिर सुरापुरा अंचल स्थित कोम्बावी सरकारी कॉलेज छात्री माने परीक्षा बहिष्कार करछन्ती। हिजाब पिंधिथिबा एसबु छात्री माने परीक्षा हॉल रु उठी आछन्ती। शिक्षयित्री को कहिबा अनुसार प्राय 35 जन छात्री परीक्षा बहिष्कार करछन्ती। एसबु छात्री माने निज अभिभावक सह आलोचना करबा परे परवर्ती पदक्षेप नेबे बोली कहछन्ती। The way they are showing that it's not essential, it's really wrong, because idu hijab essential illadidare now hijab nu now haktidire nama quran alli helide idu hak
ಬ್ಯೂರೋ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಸಕಾಳ ಖಬರ್.